नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ फार्मूले, है ना। तो देखते मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट मास है जिसका मास है एम, उससे किसी भी डिस्टेंस आर पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल जी से हम लोगों ने लिखा था, कितना था जी, ये मास बाई ये डिस्टेंस का आर का होल स्क्वायर, ये ना था। फिर हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर के बारे में बात किया था, है ना, या पहले होलो स्फेयर के बारे में बात किया था। होलो स्फेयर के अंदर में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है, यहाँ पर होता है सरफेस पर, कितना जी का वैल्यू, यस सॉरी जी लिख लेते हैं, है ना, जी का वैल्यू सरफेस पर होता है, जी एट सरफेस, जी टोटल मास इसका एम और इसका रेडियस अगर आर है दिया हुआ तो जी एम बाई आर का स्क्वायर। और इससे किसी आर डिस्टेंस आउटसाइड, इससे आर डिस्टेंस आउटसाइड ये पूरा का पूरा मास यहाँ पर कंसीडर करेंगे पॉइंट मास की तरह, तो यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा जी एम बाय ये डिस्टेंस आर, यानी ये डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर टू दिस पॉइंट, है ना, पी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस लेंगे। अगर यहीं पर हमारा सॉलिड स्फीयर रहेगा, यह रहा सॉलिड स्फीयर, ये कंप्लीट सॉलिड है, तो उसके कारण हम लोगों ने सेंटर पर देखा था जी एट सेंटर कितना मिला था जीरो, किसी पॉइंट पर कितना था यहाँ पर जी कैपिटल एम एक्स बाय आर का होल क्यूब, है ना, यहाँ से तक अगर डिस्टेंस एक्स है तो। और इसके सरफेस पर वही जी एम बाय आर का स्क्वायर, अगेन पूरा मास हम बाहर, जैसे बाहर जाने लगे तो पॉइंट मास की तरह इसको बिहेव करने लगे, है ना, ये पूरा मास कंसिडर करेंगे, यहाँ पर मास यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन जी एम बाय, लेकिन यहाँ से तक का डिस्टेंस लेना है, आर जब भी लेना है जहाँ की बात हो रही है उससे सेंटर तक का डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है पोल पर, हमारा अर्थ के पोल पर मैक्सिमम आता है जी एम बाय आर का स्क्वायर का वैल्यू 9.8 हम लोग देखे थे। ऊपर में हम लोग देखे थे कितना था जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू जी वन माइनस में टू एच बाय आर, है ना, और नीचे में था इनसाइड, तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, अंदर में अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पूरा आर में से, एक्स घटा देंगे तो डी आ जाएगा, है ना, तो एक्स के जगह पे हम वो डी पुट कर सकते हैं ना, तो डी अगर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं डी प्लस में एक्स का वैल्यू आर, और हमको एक्स निकालना है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आर माइनस में डी, हम ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे तो भी हमारे पास जी एम एक्स के जगह पर लिख देंगे आर माइनस में डी बाय आर का क्यूब, दैट्स योर ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड। तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एक्स के जगह पे, नहीं समझ में आया, अगर हम मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे गए और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये सेंटर से इसका डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशन ये जो टोटल डिस्टेंस है डी प्लस में एक्स ही तो हमारा आर है ना, तो हमको चाहिए यहाँ पर एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आर माइनस में डी, तो मैंने वो पुट कर लिया यहाँ पर एक्स के जगह पे आर माइनस में डी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आप देखोगे तो जो हमने कल निकाला था वो यही था डी बाई आर, है ना, दैट्स अ वेरी इजी। चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल आज देखते हैं, छोटे छोटे अच्छे अच्छे मोटे मोटे, है ना, कॉपी कर लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा चीज़ है, और जिन्होंने नहीं देखा है सीरियसली वो प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लो तभी इस वीडियो को बनाओ, बड़ा मज़ा आने वाला है। पिछले वाला वीडियो में हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन किए थे, है ना। अभी बात कर रहे थे कि चपटा हो जाता है अर्थ, है ना, तो उसी के बारे में एक छोटा सा डेटा भी हमारे पास है
कि अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है, इक्वेटोरियल रेडियस मतलब ये रेडियस है ना, ये होता है लगभग लगभग 6371 किलोमीटर है ना। और ये जो रेडियस होता है जिसको पोलर रेडियस कहते हैं, ये 6356 किलोमीटर है। तो समझ में आ रहा है कि इवन नहीं होता ना, ये दोनों का दोनों जो हम लोग पढ़ते हैं रेडियस का वैल्यू 6400 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स है ना, ना तो ये है ना ही ये है, ये इन दोनों के बीच का वो तो हम लोग है ना, क्या बोलते उसको, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वगैरह टाइप का। बट ये ऐसा क्यों है समझ में आ गया होगा पूरा कहानी, है ना, कोई दिक्कत? ओके, हम इसको मिटा रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पर है कि अगर क्या हो कि अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ का जो रेडियस आर है वो श्रिंक कर जाए, मास कॉन्स्टेंट रहे, ये श्रिंक कर जाए यानी छोटा हो जाए ऐसे, तो इसका जो रेडियस न्यू मिलेगा, ये कह रहा है कि 1% घट जाए, कितना घट जाए 1%, यानी कि रेडियस जो नया मिलेगा वो क्या होगा, आर में से कुछ घटाना पड़ेगा, कितना, आर का ही 1% सब्सट्रेट करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, आर में से आर का 1% सब्सट्रेट कर देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 99 टाइम्स ऑफ आर बाय 100 हो जाएगा, ये नया रेडियस हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसके जी के वैल्यू में क्या अंतर आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा। तो हम भाई जी जो ओरिजिनल है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, जी एम बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इन होता है। और जी जो नया मिलने वाला है हम उसको लिख देते हैं, जी अभी भी मास कॉन्स्टेंट ही लिखा है, इट्स मास रिमेन सेम, मास हमने चेंज नहीं किया है, डेंसिटी हमारा चेंज हो गया होगा, यानी कि रेडियस जो नया आया है वो है हमारा 99 आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू 99 का होल स्क्वायर इंटू 100 का होल स्क्वायर, अरे बस समझे ना। तो यहाँ से हो गया हमारे पास रिजल्ट जी इंटू 12340 बाय 99 इंटू 99। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.02 जी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 जी आ जाएगा, ये जी न्यू। तो जो दिख रहा होगा एक में से, ये इसको हम थोड़ा ध्यान से अगर लिख सकते हैं, 102 बाय 100 जी, यानी कि 2% से इंक्रीमेंट हो गया है, कितना हो गया है 2% बढ़ गया है ना, इंक्रीज कर गया है आंसर। कोई दिक्कत है, एकदम आसान था, मतलब कह रहा था कि अगर हम रेडियस किसी तरह से अर्थ का, हम क्यों करें, हमारा वेट बढ़ जाएगा, 2% बढ़ेगा। एक छोटा सा इसमें ट्रिक होता है, मान लो कि कोई भी चीज़ का बोलेगा, दिमाग में सिर्फ रखना है क्या हो रहा होगा कि रेडियस के, अगर मान लेते रेडियस कम कर देंगे तो जी बढ़ जाएगा, है ना, रेडियस कम कर देंगे तो जी बढ़ जाएगा, तो अगर हम रेडियस बढ़ा देंगे तो जी घट जाएगा, ये बात तो समझ में आ रहा है अगर मास कॉन्स्टेंट रखे हैं तो। लेकिन दिमाग में रखना, अगर 1% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है और वहाँ पर स्क्वायर वगैरह कुछ कंडीशन आ रहा है, समझ लो एक जितना है मतलब लगभग 10% के आसपास में, दो गुना का आंसर लगभग आता है। उसी तरह से अगर बोले रेसिस्टेंस, अगर हमने रेसिस्टेंस के लिए अगर हम लेंथ को 1% बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा, समझा बात है, 2% बढ़ जाएगा। तो सीधा ना अप्रॉक्स में अगर एक पूरा का पूरा एक तरीके से बनाना है तो बनाओ इसे। अभी कह रहा है कि अगर मान लो ये हमारा अर्थ है जो घूम रहा है ना, तो इसका ओमेगा का वैल्यू क्या हो, यानी कि अर्थ घूमते घूमते किस स्पीड से घूमने लगे कि हमारा जो इफेक्टिव वेट आ रहा है जी इक्वेटर पे वो जीरो हो जाए, मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट जी इफेक्टिव ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ पर आना चाहिए, इक्वेटर पर जीरो आना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं जी इफेक्टिव एट इक्वेटर कितना होता था, जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर, और यही चीज़ बोल रहा है जीरो हो जाए, तो जी माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा क्या, इसका मतलब यहाँ से हो गया ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू जी हो गया, और ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा जी अपॉन आर का रूट। इतना स्पीड से, इस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के स्पीड से अगर ये अर्थ रोटेट करने लगेगा तो अर्थ पे रहने वाले आदमी को कोई वेट महसूस नहीं होगा, क्या बात है। अच्छा देखना चाहते हैं कि ये कब हो सकता है, थोड़ा टाइम पीरियड वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग बचपन से जानते आए हैं, ओमेगा बराबर होता है
टू पाई बाई टी पढ़े ना, या फिर टू पाई एफ होता है ना, तो हम इसका यूज करना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू पाई बाई ओमेगा, और यहां से क्या टू पाई बाई ओमेगा के जगह पे लिख देंगे जी बाय आर है ना, सॉरी ओमेगा बाय ना आर बाय जी। और अगर हमको यहां पर पता है ना आर का वैल्यू 6400 और जी का वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8, दोनों को ये किलोमीटर में होगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 84.5 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटा नहीं 84.5 मिनट, एक डेढ़ घंटे के आसपास में हुआ, तो डेढ़ घंटे में अगर घूम जाए ऐसे हुई, सोच के देखो अर्थ का हर एक चीज का क्या हो रहा होगा ना, फ्लोट करेगा उस टाइम पे अर्थ के समय, क्योंकि कोई चीज अगर बहुत हाई स्पीड से घूमेगा तो वो चीज बाहर फेंकाने के चांस ज्यादा हो जाएंगे ना, ना बाहर का जो फोर्स है, जो ये ओमेगा अगर बढ़ेगा, ये तो जो एक्स बाहर की तरफ जो लग रहा है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बढ़ेगा तो इफेक्टिव तो उड़ेगा, फ्लोट करने लगेगा ना अर्थ पे, हर चीज तैरने लगेगा इस स्पीड से। चलो ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो ठीक है, एक बच्चे वाले सवाल बना लिए, दो तीन सवाल बनाते अच्छे वाले। अभी कह रहा है यहां पर कि एक मास है, सॉलिड मास है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ रो और पूरा मास दिया हुआ एम और इसका रेडियस कुछ आर दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा कैविटी तैयार कर दिया है ना, ऐसे करके काट दिया, कैविटी कर दिया। तो हमको ये बताना है यहां पर कि इन साइड द कैविटी एट एनी पॉइंट, ये पूरा मास दिख रहा है ना, कंप्लीट मास, ओ इसका सेंटर कुछ ओ डैश है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कुछ एल मान लेते हैं। हमको इस पॉइंट पी पर जानना है ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी का वैल्यू क्या होगा, ये है हमारा सवाल। क्लियर हुआ? तो चलो ठीक है, हम इस पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसको एक काम करते हैं, फिर से मिटा कर हम फिर से बना रहे हैं। समझ में आ गया सवाल ना क्या है? तो ये देखते हैं कि हम पहले इसको कंप्लीट फिर से बना रहे हैं, यही था हमारा एक होल सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर हमको बात करना है। हम एक काम करते हैं, हम एक कंप्लीट मास ले लेते हैं ऐसे, जो कि पूरा का पूरा स्फेयर था, और उसके अंदर में जो होलो स्फेयर है, हम उसको जो होलो स्फेयर हमने ये बनाया है उसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं एक्स, और ये डिस्टेंस हम कुछ कह देते हैं वाई, और ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी एल दिया हुआ है ना, ये हो गया ओ और ये हो गया ओ डैश है ना। यहाँ से हमको इस पी पॉइंट पर बात कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कह देते हैं कोई एक्स वेक्टर है ना, और इसी पी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह देते हैं इसको, इस पॉइंट को कुछ वाई वेक्टर कह देते हैं ना, वाई थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इस पी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया कुछ वाई वेक्टर, हमने बोल दिया इसको ऐसे ही। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे मास में से, मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ बनेगा उसमें से एक निगेटिव मास है ना, इस मास को कह देंगे निगेटिव मास, इसको हटा देना चाहते हैं, तो नेट जो बनेगा इफेक्टिव फील्ड वैसे ही बनेगा। तो बात समझ में आया, पूरे मास में से एक निगेटिव मास यहाँ पर रख देंगे तो खत्म हो जाएगा इसका, ये होलो ही तो करवाना है, होल ही तो करवाना है, होल करवाने के लिए वो निगेटिव मास रख देंगे, तो मास प्लस उतना ही मास का माइनस कर देंगे वहाँ पर, जितना मास इसका होगा उतना एम डैश निकालना पड़ेगा, इसका मास अलग होगा और पूरा मास है यहाँ पर, कंप्लीट मास हम लेना पड़ेगा, और इसका डेंसिटी रो है। पी पॉइंट पर जी ऑफ कंप्लीट स्फेयर कितना हो जाएगा, पढ़े देना जी एम एक्स बाय आर का क्यूब है ना था, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस है एक्स वेक्टर, तो हम लिख देते हैं एक्स वेक्टर बाय आर का क्यूब, और ये जो डिस्टेंस, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा ना, हर समय अंदर की तरफ खींचता है,
तो हम इसको लिखते हैं माइनस में, क्योंकि मैंने एक्स वेक्टर इधर की तरफ लिया हुआ है। आ रही बात समझ में? निगेटिव क्यों लगाए? क्योंकि अर्थ हर चीज को अंदर की तरफ खींचता है। जी ड्यू टू कैविटी, कैविटी कारण बात कर रहे हैं, इसके कारण ये भी एक, हम इसको क्या कर रखे हैं, पूरा का पूरा सॉलिड मास है ना इसका, तो इसका मास के बारे में बात कर सकते हैं यहां से। अच्छा मास इसका यहां से निकालने, क्या पूरा मास को लिख देते हैं, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाए आर क्यू है ना, ये ना जगह तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। माइनस में जी एम के जगह पे डेंसिटी 4/3 पाई आर का क्यूब एक्स वेक्टर कितना है सर, कट गया, कितना अच्छा रिजल्ट आया 4/3 जी, कितना चीज है रे बाबा 4/3 पाई जीरो, पाई भी है और एक्स का वेक्टर कुछ उठाते ना जीरो 4π उलझ गए हम नहीं ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी देखें तो हमें सिर्फ जी रो सब तो कॉन्स्टेंट ही है, पाई भी कॉन्स्टेंट, एक्स वेक्टर सिर्फ वाई वेक्टर वहाँ पर आ जाएगा है ना, तो 4/3 जी रो पाई वाई वेक्टर आ जाएगा है ना, ये भी तो इसका मास अलग होगा लेकिन डेंसिटी तो सेम है। तो मैंने डेंसिटी ले लिया और यहाँ से देखा डिस्टेंस वाई वेक्टर हो गया, अगेन वाई वेक्टर इधर की तरफ फील्ड बनेगा, इसका वेक्टर हम इधर लिए फील्ड इधर बनता है तो इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। तो जी नेट कितना मिलेगा पी पॉइंट पर, हम बोलेंगे जी ऑफ स्फेयर में से जी एट कैविटी घटा देंगे, बात समझ में आया, इतना माइनस इतना कर लो, कहानी खत्म हो गया। तो 4/3 जीरो पाए क्या बात है प्लस 4/3 जीरो पाए वाई वेक्टर, यहाँ से हो गया हमारे पास 4/3 जीरो पाए कॉमन आ गया, तो यहाँ से वाई वेक्टर माइनस में एक्स वेक्टर सही लिखे हैं। और अगर हम यहाँ पर से कुछ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह के बारे में बात करें तो कुछ हम इसको लिख सकते हैं, एल वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर लिख सकते हैं ना, एल वेक्टर प्लस में वाई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर, हमको चाहिए y माइनस में x, y माइनस में x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ l वेक्टर, तो क्या आया यहाँ से माइनस में 4/3 जीरो पाए इंटू l वेक्टर नेगेटिव यहाँ लिख दिया है, तो g नेट ये आ गया कितना आया जीरो पाए l वेक्टर, e नेट कितना आ गया 4/3 जी रो पाई एल वेक्टर किधर की तरफ निगेटिव, यानी कि एल वेक्टर अगर इधर है तो इधर की तरफ आया, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक हो गया ना, पहले कॉपी कर लो थोड़ा सा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कभी कैविटी था इस कैविटी के अंदर में हर समय ग्रेविटेशनल फील्ड एल वेक्टर के पैरेलल होगा, ऐसे अरे बस समझ ऐसे होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हर समय एल वेक्टर के पैरेलल होगा है ना, तो क्योंकि एल वेक्टर हमने लिया था ऐसे तो ये निगेटिव ऑफ एल आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, अरे बस समझे ना। अब अगर हम इसी में से एक सवाल करें यहाँ पर कि क्या हो इसको थोड़ा ऐसे इरेज कर दे रहा, ये सेंटर है हमने एक कैविटी काटा है और इसका रेडियस हम कह रहे हैं r/4 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा r/2 है, यानी कि एक बात तो तय हो गया कि l का जो लेंथ है वो हमारा r/2 है और इसका जो रेडियस है वो r/4 है ना। अब कह रहा है यहाँ, ध्यान सुनना यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, एक मास हमने लिया यहाँ पर, इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर m मास रखा है, उस मास को मैंने रिलीज कर दिया तो उसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में, यानी कि फिर से इसी सरफेस को टक्कर करने में कितना समय लगेगा और कितना वेलोसिटीज यहाँ पर हिट करेगा। अब एक बात तो छोटी सी दिमाग में रखनी है कि पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे है तो पूरा का पूरा मास हमारा फील्ड अगर इधर है तो पूरा का पूरा सिस्टम इधर की तरफ खींचा जाएगा है ना, तो इतना ही ना डिस्टेंस खिंचाया तो पूरा जो लेंथ हो जाएगा जितना इसको चलना है वो r/4 और r/4 यानी कि r/2 डिस्टेंस ही कवर करेगा,
है ना। इनिशियली मैंने मान लिया इसका स्पीड था जीरो, तो हमको चाहिए अंदर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अंदर का एक्सेलरेशन। अरे पता है एक्सेलरेशन इनसाइड कितना है, जी ऑफ कैविटी कितना है, 4/3 जीरो पाई इंटू एल वेक्टर, और एल के जगह पे हम लिख देंगे 4/3 जीरो पाई, और एल के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ एल मतलब यहाँ से देखा लेते R/2 था ना, R/2 टिक 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 कट गया, तो 2/3 जीरो पाई आर, इतना हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनसाइड द, समझ में आ रही है ना बात, अंदर में एक्सेलरेशन इतना हो गया, ये मास उसी के कारण खींचा जाएगा इधर की तरफ, है ना पूरा, है ना। तो क्या हो गया यहां पर से, y इज इक्वल टू, है ना, मान लेते हैं यहां से देखकर डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं, x इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर होता है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा R/2 डिस्टेंस, क्योंकि इसको यहां से आता है आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा R/2 इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे 2/3 जीरो पाए और आर हो गया, और हमको यही पूछ रहा था टाइम का वैल्यू, कैंसिल आउट, है ना, तो क्या 3/2 जी रो पाए का रूट इज इक्वल टू टाइम टी, दैट्स योर आंसर। और अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2, एक्सेलरेशन यही लिख देंगे 2/3 जीरो पाई आर, और एस के जगह पे R/2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास खत्म रूट ओवर 2/3 जीरो पाई आर का स्क्वायर, दैट्स योर वेलोसिटी आंसर। समझ में आ गया पूरा अच्छे से, ये पूरी की पूरी कैविटी के अंदर की कहानी हो गया, अगर मैंने एक मास को छोड़ा तो वो यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करेगा इतने समय में इतने वेलोसिटी के साथ में, आ रहा है ना, ओके कॉपी कर लो। डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू रो, वेरी कर रहा है बाबा, देखो यहाँ पर डेंसिटी जो है दिया हुआ रो जीरो ए अपॉन आर, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर, आर पे डिपेंड कर रहा है, ये आर क्या है किसी भी पॉइंट का बात कर रहा है, ये यहाँ पर बात कर सकता है, यहाँ बात कर सकता है, कहीं पर बात कर सकता है, और आर बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा, यानी कि डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, डेंसिटी धीरे धीरे घट गया। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहता तो हम यहाँ पर आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते थे, जिसका वैल्यू होता है जी एम एक्स बाय आर का क्यू का फॉर्मूला लिख करके ए के जगह पे ए बाय टू पुट कर लेते और रेडियस की जगह पे ए लिख लेते, क्योंकि इसका रेडियस दिया हुआ ए, बट हम ये यूज़ नहीं कर सकते, अरे बस समझो ना, हम ये यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डेंसिटी हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं, चलो बनाते हैं क्या कर सकते हैं इसका देखते हैं, ध्यान समझना है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे हमको यहाँ पर निकालना है तो थोड़ा इसको हम हटा करके रख लेते हैं यहाँ पर, है ना, इस जगह पे निकालना है हमको a बाई टू डिस्टेंस पर हमको फील्ड निकालना है, तो a बाई टू डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, तो हम क्या बोले थे जहाँ पर निकालना हो वहाँ पर से हम एक स्फेयर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं और इसका हमको मास निकालना पड़ेगा, है ना, m डैश इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा क्योंकि मास हर जगह का सेम थोड़ी ना है, तो वही तो चाहिए हमको, तो खैर उसके कारण डी जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी छोटा छोटा मास निकालेंगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से तक का, डिस्टेंस ए बाय टू का होल स्क्वायर, अरे बस समझे, ए बाय टू का होल स्क्वायर, और डी एम का वैल्यू हमको चाहिए, तो डी एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम किसी डिस्टेंस आर पर एक स्फेयर होलो स्फेयर काट देंगे, तो ये हो गया हमारा डी आर, अरे बस मुझे, तो इसका हमको वॉल्यूम चाहिए, इसका मास चाहिए हमको, है ना, इसका मास तो डेंसिटी पता है हमको छोटा सा, डेंसिटी रो, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर, एरिया इंटू वॉल्यूम, है ना, लेंथ एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का एरिया होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका विड्थ जो पतला ऐसा होगा डी आर हो गया इतना, तो डेंसिटी की जगह क्या लिखेंगे रो जीरो ए अपॉन आर
है ना, और 4 पाई r का स्क्वायर इंटू डी आर, टिक 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 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया 4 पाई a ρ₀ r इंटू डी आर, ये हो गया डी एम, इसके जगह पुट कर सकते हैं, यहाँ से हो गया जी 4 पाई a ρ₀ r इंटू डी आर बाय a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी जी। तो जी नेट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 4 पाई g a ρ₀ अंदर घुस गया, हाँ ए स्क्वायर बाय 4 अंदर में आ जाएगा r इंटू डी आर, है ना, ये सब कांस्टेंट था पकड़ के बाहर निकाल, r ही डी आर अंदर में बचा, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के a/2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 से लेकर के a/2 तक, तो क्या 16 टाइम्स ऑफ पाई जी a ρ₀ बाई a स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना, तो 1/2 इंटू a₀ a का होल स्क्वायर बाय 4, 4 2 जा 8, है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सब खत्म हो गया, तो 2 पाए g a ρ₀ आंसर। कैसा लगा? अभी और भी सवाल है, बनाओ घर पे, है ना। अब अच्छा एक सवाल और हो सकता है, हम उसके कारण उसके ऊपर बात करते हैं, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है ना, बहुत ही सवाल है। नहीं जी एक छोटा सा मास मान लेते हैं कि यहाँ 4m लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने 2m लिख लिया है, और इसमें ये छोटा छोटा सवाल होता है सर, d डिस्टेंस दे दिया है, बोले कहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा, है ना, तो हम मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस है ना x डिस्टेंस, यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है ना, मान लिए ऐसे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसके कारण जितना ग्रेविटेशन फील्ड बनेगा और इसके कारण जितना ग्रेविटेशन फील्ड बनेगा, दोनों का दोनों वैल्यू बराबर अगर हो जाए, यानी कि इसने जितना ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पर या ग्रेविटेशन फोर्स जितना इस पर लगाया, इसने जितना फोर्स लगाया, दोनों बराबर हो जाए, तो फील्ड हमारा 0 मिलेगा, है ना, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू 4m mass और ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू 2m mass बराबर होना चाहिए। अब इसके कारण ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाएगा, जी इसका मास 4m, अब बाय दोनों बीच डिस्टेंस x का होल स्क्वायर, और उसके कारण जी 2m, अब बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस में x का होल स्क्वायर, कट गया क्या, 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2d माइनस में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको स्क्वायर जब लिखा हुआ है इसको रूट कर देंगे दोनों साइड, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ d माइनस में x इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया, रूट टू डी माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स का रूट कर देंगे ना, एक्स हो गया, इसको उधर भेज देते हैं, तो रूट टू डी बाय रूट टू प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सिचुएशन था। अब मान लो अगर इसी में हमको दिया हुआ रहा, यहां से तक यहां पर रखा कुछ m1 मास, यहाँ पर m2 मास, दोनों के डिस्टेंस d दे दिया, है ना, ये डिस्टेंस x दे दिया, तब कैसे करेंगे, सिमिलर है ना, इतना कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, टिक 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 हम मिटा रहे हैं। क्या करेंगे, g ड्यू टू m1 बराबर g ड्यू टू m2, यानी लिखेंगे g ड्यू टू m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी एम वन बाई एक्स का स्क्वायर, जी एम टू बाई डी माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, जी से जी कट गया, एम वन डी माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, एम टू एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट ओवर एम वन डी माइनस में एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एम टू इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स तो यहाँ पर चला जाएगा, तो हो जाएगा रूट ओवर एम वन इंटू डी बाय रूट ओवर एम टू माइनस में रूट ओवर एम वन इज इक्वल टू एक्स, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो रूट ओवर एम वन डी और ये एम टू प्लस एम वन नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू। अब आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट भी करो तो भी आंसर आ जाएगा इसी से, है ना। अब कितना है,
पढ़ना 12th में अभी और भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है, अगेन जाकर के ऐसी चीज़ें वहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।